तो नमस्कार दोस्तों, थिंक थिंक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि डू यू नो सीरीज। तो इस सीरीज में पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं इज़ आरवी लीगल इन इंडिया। तो चलिए पहले जान लेते हैं आरवी लीगल है कि नहीं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्चुअल कंपैटिबिलिटी के बारे में। अगर लीगल है भी तो इंडिया में क्या कंपैटिबल हो, कुछ चला पाएंगे आप। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ऑप्शंस है अभी इंडिया में। तो दोस्तों, आज तक ऐसा हादसा कभी रिपोर्ट नहीं हुआ है या क्रिमिनल प्रोसीडिंग कभी रिपोर्ट नहीं हुआ है कि आप लिविंग इन ए कार, अपना इतना मतलब कि आप अपने कार में घर बना के रह रहे और इसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग से एस्केलेशन आज तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में आया नहीं या दिखा नहीं गया है। अगर आपके पास मैंडेटरी पेपर्स डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, तो अभी तक तो कोई इश्यूज नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी बात आते हैं कि एक इसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट यानी 9 जनवरी 2019 में एक जजमेंट आया था कि आप अपना आपका जो ओरिजिनल व्हीकल है, रजिस्टर्ड व्हीकल, उसका जो मैन्युफैक्चरर का एक्चुअल स्पेसिफिकेशन है वो आप चेंज नहीं कर सकते। ये जजमेंट आया था 9 जनवरी 2019 में। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर आप चाहते कि अपना व्हीकल आप मॉडिफाई करा के एक कैंपर वैन जैसा बना के यूज़ करेंगे, वो आप नहीं कर सकते, वो इलीगल होगा। तो आपको क्या करना होगा, अगर आप कैंपर वैन खरीदते जो कि एक्चुअल में अवेलेबल है इंडिया में ऑप्शन से, अगर आप वो खरीदते हैं, खरीद के चलाते रहते तब वो लीगल है। अभी तक तो इलीगल का कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो चलिए हम लोग एक डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, टूरिज़्म इंडिया डिपार्टमेंट का जो डॉक्यूमेंट है उसमें हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने लीगली क्या कहा है इस कैंपर वैन के बारे में इन टूरिज़्म के मामले पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक गाइडलाइन लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टूरिज़्म डिपार्टमेंट से कि पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ कैरावन एंड कैरावन कैंपिंग पार्क। तो ये मैं डॉक्यूमेंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि आप क्या कभी यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ये एक ही डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा जहाँ पर लिखा है कि कैरावन पार्किंग स्टेशन पार्क कहाँ पर डेवलप कर सकते। ये क्यों रिक्वायर्ड है कैरावन पार्क, वो मैं आपको नेक्स्ट फेज यानी कंपेटिबिलिटी यानी एक्चुअल में आप इंडिया में अगर लीगल है भी तब कैसे, अगर कंपेटेबल है क्या, तो उसके बाद उस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया लीगलिटी के बारे में। तो चलिए अब जाते हैं कंपेटेबिलिटी के बारे में, क्योंकि ऐसे तो इंडिया में ऐसा कोई सेटअप नहीं है आरवी को अकोमोडेट करने के लिए। अगर आप एक आरवी यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफिक आरवी स्टेशन या आरवी पार्क होना चाहिए जहाँ पर आपको अदर एमिनिटीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। आरवी में तो जैसे आपको सब कुछ मिल जाएगा, टॉयलेट भी मिल जाएगा, लेकिन उसका कैपेसिटी तो ऐसा नहीं होगा कि आप अनलिमिटेड यूज़ कर सके। तो इसके लिए क्या होता है, आरवी पार्क या आरवी स्टेशन जैसे कि मैं बताया गवर्नमेंट गाइडलाइन में डेवलप करने का बात चल रहा है, बट जस्ट ओनली फॉर टूरिज़्म नॉट फॉर पर्सनल यूज़। तो वैसे अगर आप डेवलप नहीं करेंगे तो आप ये इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी आप मूव तो कर पाएंगे अगर मूव करना चाहते हैं तो, लेकिन इसको आप मेंटेनेंस या ये सब नहीं कर पाएंगे और आपके लिए ये कंपेटेबल बहुत मुश्किल होगा। और उससे भी बड़ी बात जो है, कैंपर वैन में जैसे कि आपका हर एमिनिटीज़ यानी घर में जो आपका रहता है वो आपको एमिनिटीज़ चाहिए। मान लीजिए कि आप कंफर्टेबल हुए, आपको आप एक कैंपर वैन ऐसा लेते हैं जिसमें आपको घर जैसा सब एमिनिटीज़ मिलेगा और आप चाहते हैं कि मिले ये सब एमिनिटीज़। अगर ऐसे एमिनिटीज़ आप लेना चाहेंगे भी कैंपर वैन में तो जो खर्चा पड़ेगा वो एक्चुअली ह्यूज अमाउंट होगा और बहुत ही ह्यूज अमाउंट होगा। और इंडिया में जैसे आपका नॉर्मल प्लॉट का या फ्लैट का रेंट होता है, रेंट यानी मतलब अगर आप खरीदते हैं तो उसका भी जो पैसा होता है वो उससे भी कम पैसे में, तो हाफ से भी कम पैसे में आपको वो एक घर मिल जाएगा। तो आप तो इफ़ ये एक्चुअली इकोनॉमिकली फिजेबल सॉल्यूशन भी नहीं है इंडिया में अगर आप कैंपर वैन चूज़ करते ओवर फ्लैट या होम योर पर्सनल होम। तो इसके लिए मैं बोल रहा था कंपेटेबिलिटी के जो मामले हैं वो भी
इंडिया के हिसाब से ठीक नहीं है। तो कॉम्पेटेबिलिटी में इतना ही बात करना था, अभी आते हैं इंडिया में ऑप्शंस क्या क्या है, यानी अवेलेबिलिटी क्या है। तो वैसे तो इंडिया में बेंगलोर में एक कंपनी है, और भी कुछ बड़े कंपनी है जो ये सब कैंपर वैन अभी बना रहा है, और कैंपर वैन अभी टूरिज़्म इंडस्ट्री में बहुत फेमस भी हो रहा है धीरे धीरे। और जैसे मैं आपको देखा है, टूरिज़्म गवर्नमेंट ने टूरिज़्म डिपार्टमेंट से एक डॉक्यूमेंट भी निकाला है, तो वैसे तो आपको ये मिल जाएगा, लेकिन टूरिज़्म के पर्पज़ में फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर ए वीक, तो ये आप रेंट भी ले सकते हैं, या अभी तो ऐसे ऑप्शन है नहीं, लेकिन सामने आ भी सकता है कि आप कैंपर वैन खरीद लिए और आप अपने एक वीक के लिए चलाए, उसके बाद आप वो कंपनी को ही दे दिए, तो वो आपको वो रेंट पे करता रहेगा। जैसे बहुत सारे फैसिलिटीज़ अभी भी है, जैसे अपना अपना कार भी आप अपना कार भी दे सकते, ऐसे कुछ फैसिलिटीज़ ऑलरेडी इंडिया में है। तो लास्ट में आते हैं लाइसेंसिंग के बारे में। तो लाइसेंसिंग में ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं रखा गया है, यानी नहीं आया है अभी तक। तो लाइसेंसिंग तो आपका नॉर्मल जो LMV का लाइसेंस होता है वैसे ही चल जाएगा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही था लीगलिटी के बारे में, RV के बारे में आज। तो चलिए, ऐसे ही मैं अपडेट आपके लिए लेके आते रहूँगा आगे भी। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, नमस्कार।